हेलो। मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एंजाइटी और दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज को अवॉइड कैसे करे, मतलब ऐसा क्या करे कि ये हो ही ना। और मैम, आपके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे काउंसलिंग के लिए, तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करती और आपके हिसाब से जैसे अभी प्रेजेंट में या फिर आगे चलकर इस समस्या का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा, आपने तीन क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने जी पूछा था कि एंजाइटी हो ही ना क्या करें, ऐसे ये पूछा था। जी तो जी 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 ऐसा है कि मैं हमारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि देखो, हमारा जो जिस चीज पे कंट्रोल है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो बाहर दुनिया में इस समय सिचुएशन है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे अपने इंटरनल मेंटल एटमोसफेयर, हमारा माइंड का क्या है, उस पे हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं। और कैसे रख सकते हैं? हमें कुछ रूटीन बनानी पड़ेगी, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको ये सिखाती हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो कि यूजफुल है। एक्चुअली लेक्चर बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल बस मैम। प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी। नंबर वन, जी, बिल्कुल बेनिफिट फाइंडिंग करे वो। देखो, कितनी भी सिचुएशन बुरी हो, हरी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट होते हैं। तो हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हम नेगेटिव सिचुएशन में भी बेनिफिट ढूंढ सके। अपने माइंड को इस तरह से हमें प्रोग्राम करना है। तो आप अगर ये लॉकडाउन देखोगे, तो लॉकडाउन में ठीक है, सब कुछ, उनकी पढ़ाई रुक गई है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो जायज है, वो रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उनका तो जायज मैम, है। मैम थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ मैम, कि हाँ कैसे ये करे, कैसे वो अगर इन्हें मैं अपने माइंड बता रही को हूँ, आपको बता रही हूँ। हाउएवर, वो क्या करें, एक तो सबसे पहले अपनी एक रूटीन बनाएं दिन की, ठीक है? सुबह उठे, टाइम पर उठे, और अपना थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाएं। ये नहीं कि कुछ कहीं जाना नहीं है तो कैसे भी दिन बीत जाए, इस तरह से एटीट्यूड नहीं रखना। क्रिएट अ रूटीन, वेक अप ऑन टाइम, मेक योर बेड, व्हाइल यू स्टिल लाइंग इन बेड, एफर्मेशंस करें। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो अपने आप, जब हम बोलते हैं, आपको बोलते हैं, हमारे माइंड में जी पॉजिटिव ग्रुप बनते हैं। तो बेड में लेटे लेटे वो बोले दैट आई एम हेल्थी एंड हैप्पी। अपने आप को हेल्थ कॉन्शियसनेस दें। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, आई एम रिलैक्स, आई कैन फेस दिस टू शेल पास। इस तरह से एफर्मेशन अपने आप को लेटे लेटे ही बोलें, और फिर एक पॉजिटिव नोट पे अपना दिन शुरू करें। उसके अलावा एक सारा दिन में उनकी एक रूटीन होनी चाहिए कि मुझे थोड़ी एकेडमिक पढ़ाई करनी है, या मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, नॉन स्क्रीन टाइम कितना है। फिर अपने डाइट, अपनी केयर करें, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की कैसे केयर करें। माइंड में पॉजिटिव चीजों को, ये जो जितनी नेगेटिव न्यूज आ रही है, सुबह और सोने से पहले, उठने के बाद और सोने से पहले बिल्कुल भी ये नेगेटिव न्यूज ना सुने। अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट देना है, चाहे वो किताब पढ़े कोई पॉजिटिव, या कोई प्रोग्राम देखे, मतलब सिलेक्ट करके पॉजिटिव इनपुट अपने माइंड को दें, जिससे पॉजिटिव थॉट्स बने, ठीक है? उससे माइंड का एटमोसफेयर स्ट्रांग बनता है, पॉजिटिव बनता है। अपने बॉडी की कैसे केयर करें, जैसे डॉक्टर अंशुल ने कहा था कि उन्होंने हॉबीज का भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला था। जो भी उनकी हॉबीज है इस समय, उससे वेबिनार्स हो रहे हैं। बहुत बच्चे मैं जानती हूँ जो कि ये मल्टीमीडिया, आपकी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जिसको जो शौक है, वो अब ये टाइम मिला है, ये ब्लेसिंग है कि वो कोर्स करे। अच्छा, मेडिटेशन करे। जैसे कि कैसे करे वो मैं बच्चों को सिखाती हूँ जो मेरे पास आते हैं। 1 घंटा मैं उनको बोलती हूँ, अपने लिए आप निकालो बच्चे, उसमें आप 1 घंटे में डीप ब्रीदिंग सिखाती हूँ मैं उन्हें, उनको प्रैक्टिकल डायफ्रैगमैटिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जिससे कि हमारे विचार फ्लो होते हैं, हमारे अपने विचारों पे संयम आता है। और फिर मेडिटेशन कराती हूँ मैं उनको, माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और फिर एफर्मेशन। और जैसे आपने डायरी एंट्री बोली है, उनको मैं डायरी बनाने के लिए बोलती हूँ, उसमें सारे अपने इमोशंस आउटलेट करें। अगर उनको एंजाइटी महसूस होती है, मैं उनको सबसे पहले उनको ये बताती हूँ कि अगर आपको इतनी एंजाइटी हो रही है कि आपकी डेली रूटीन खराब हो रही है, डेली रूटीन का फंक्शन नहीं हो रहा, तब आपको डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना ही चाहिए। अगर माइल्ड एंजाइटी है, तो आप अपने घर में फ्रेंड के साथ या अपने किसी क्लोज कॉन्फिडेंट के साथ बात करें,
और बात करना पहला स्टेप है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रिलीफ मिलता है एंजाइटी की फीलिंग्स को। अगर वो भी नहीं कर सकते फिर वो काउंसलर के पास आए। मैं टेलीफोन पे भी अब काउंसलिंग लेती हूँ बच्चों की, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं मेरे पास। और अगर एंजाइटी को हम हैंडल नहीं करते तो वो डिप्रेशन बन जाता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए इसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक प्रैक्टिकल चीज मैं समझती हूँ कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज और ये स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक मेंटल हेल्थ सेल खोलना चाहिए। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी से भी गेस्ट है शायद, तो आई थिंक और आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड सेट अप एंड दे शुड सेट अप अ मेंटल हेल्थ सेल कंप्राइजिंग ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, द डीन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। And these, the mental health cell should work at providing, monitoring the stress levels of the students. कुछ online tools होते हैं जैसे कि stress, है ना, stress professor साहब से मेरे को पूछूंगा सवाल। हाँ जी, मैं बोलूँ अभी या? जी, मैम बस आप एक मिनट में अपना आंसर खत्म करें, मैं थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास है मैम। अच्छा, बस फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा, तो मतलब है कि अगर ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ सेल्स को मॉनिटर करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल्स को, ताकि उनका स्ट्रेस जो है, एंजाइटी जो है, डिप्रेशन में ना टर्न हो जाए। तो बस ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चलना चाहिए, बिकॉज बच्चों को काफी अडेप्ट करना पड़ेगा, ये वापस फिर से आएंगे पढ़ाई में तो फिर भी उनको थोड़ी स्ट्रेसेस होंगे। तो ये सारी चीजें मैं बोलूंगी बस। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं अभी सभी दर्शकों से ये हमारी काउंसलर